कर को श्रावण प्रिय है एक कारण कहा कि मंथन में जो विष निकला उस विष का पान किया और भगवान देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। दूसरा कारण कहा माता सती ने शंकर को पाने के लिए श्रावण के महीने में ही सबसे ज्यादा साधना करी है। और क्या करा था माता सती ने, एक बालू का मिट्टी का शिवलिंग बनाती थी, प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करती थी और शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन कर अर्चना कर उसका विसर्जन करती थी सती माता। और माता सती का नियम था भगवान शंकर को पाने के लिए शिवलिंग का, तो हमारे यहाँ शिव महापुराण में लिखा है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होना चाहिए, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है तो उसके लिए भी वर्णन करा गया, ब्राह्मण श्वेत मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, वैश्य पीली मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, क्षत्रिय लाल मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे और शूद्र काली मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे। कितना बड़ा शिवलिंग बनाना चाहिए अगर हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, या हमारे घर में हम कोई मूर्ति रख रहे हैं, या हमारे घर में हम कोई मूर्ति को विराजमान कर रहे हैं, तो उस मूर्ति का भाव कितना बड़ा होना चाहिए। तो कहा जमीन पर अपने हस्त कमल को रखकर अंगूठे को ऊंचा कर देख लो, बस इतनी बड़ी मूर्ति घर के अंदर होना चाहिए, चाहे वो लड्डू गोपाल की हो, चाहे वो दुर्गा भवानी की हो, चाहे वो राम जी की हो, शंकर जी की हो, कृष्ण की हो, जिसकी रखना हो, बस इतनी बड़ी मूर्ति घर के अंदर होना चाहिए। क्यों, इससे बड़ी अगर मूर्ति होती है तो जैसे मंदिर में सेवा होती है उतनी सेवा की उसको जरूरत पड़ती है, और अगर इससे छोटी मूर्ति होती है जितनी छोटी होगी उतनी सेवा कम करना पड़ती है। तो मूर्ति जितनी छोटी होगी उतना सुख प्रदान करेगी, उतना आनंद देगी। पर श्रावण के महीने में यदि आप रोज शिवलिंग नहीं बना सकते तो पूरे महीने में एक बार शंकर का शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसकी आराधना उसकी अर्चना उसकी पूजन करना चाहिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। पार्थिव शिवलिंग का जब भी निर्माण करें किसी थाली में या पात्र में जिसमें भी आप निर्माण कर रहे हैं, उस पार्थिव शिवलिंग को बनाने से पहले उसके अंदर पात्र के अंदर एक बेलपत्र रखें। बेलपत्र क्या, आपको कथा में कल कहा था, बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है और रुद्राक्ष का वृक्ष शंकर भगवान के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। तो बेलपत्र रखकर फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करें, फिर उसके ऊपर शिवलिंग, उसका लाभ आनंदित होगा, उसका सुख आनंदित होगा, वो आनंद फल देने वाला होगा। कई लोग सीधे थाली में शिवलिंग बना देते हैं, माता पार्वती के हस्त कमल पर शिवलिंग का निर्माण है माला, हस्त कमल सुख देने के लिए। तो भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करें, माता सती ने भी किया, यही श्रावण के महीने में माता सती शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करती है, पूजन करती है, अर्चना करती है, फिर शाम के समय उस शिवलिंग को मस्तक पर स्पर्श कर जलाशय में, कुंड में, जल में, बावड़ी में, कुएं में, तालाब में उसका विसर्जन करती मां। दूसरा कारण कहा सती शंकर को इसी श्रावण में रिझाई थी, इसलिए शंकर को श्रावण अति प्रिय है कि पहले आती है नवमी फिर आवेगी एकादशी देवसोनी। तो भंडारिया नवमी का मतलब क्या होता है, भंडारिया नवमी का स्मरण क्या होता है, अभी आपको कहा था नौ जगह पर बेलपत्र चढ़ती है, भंडारिया नवमी का मतलब ही है ये कि भगवान विष्णु सोने जाने से पहले नवमी तिथि के दिन नौ बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित कर भगवान शिव के मंदिर में बैठकर भगवान शंकर की आराधना कर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ अपनी सृष्टि का कार्यभार चार महीने के लिए शंकर जी को सौंप देते हैं भंडारिया नवमी के दिन। और एकादशी के दिन से देव सोनी एकादशी के दिन जब भगवान सोते हैं उस दिन से भगवान शंकर पूरे कार्यभार को देखते हैं, पूरे कार्यभार, जब कार्यभार सौंपा गया भगवान शंकर सृष्टि का संचालन करने लगे तब ब्रह्मा और विष्णु ने आकर शंकर जी की आराधना यही श्रावण के महीने में करी थी कि आपने पूरा कार्य अच्छे से संभाला, इसलिए शंकर को श्रावण अति प्रिय है। यह तीसरा कारण है शंकर को श्रावण प्रियता का। अब शिव महापुराण की कथा करिए कि शंकर को श्रावण प्रिय चौथा कारण वर्णन करा कि ये कारण भगवान शंकर की आराधना माता पार्वती ने बाल्यपन से करी, खूब करी, खूब दिल से करी। ये कहते हैं कि अगर 1,00,000 बेलपत्र समर्पित कर रहे हो और तुम्हारे पास में अगर वो बेलपत्र नहीं है
तो तुम 1,00,000 मत चढ़ाओ। आप तो एक बेलपत्र, परंतु वो बेलपत्र भी पूर्ण तरह से साफ सुंदर सुरक्षित खंडित ना हो, वो मुझे समर्पित करो। एक चावल का दाना चढ़ाओ पर वो खंडित ना हो, एक फल चढ़ाओ वो खंडित ना हो, एक पुष्प चढ़ाओ वो खंडित ना हो। शिव कहते हैं मेरे हाथों से मेरा पुत्र खंडित हो गया था। उस दिन से मैंने वचन दिया है माता पार्वती को कि खंडित वस्तु स्वीकार नहीं करूंगा और ना खंडित दूंगा। शायद इसीलिए ये चरित्र कथा है कि जिस नारी का गर्भ 2-3 महीना ठहरने के बाद में गर्भ गिर जाता हो, 4 महीना ठहरने के बाद गर्भ गिर जाता हो, गर्भ बच्चा पूर्ण नहीं होता हो, या बच्चा कहीं शरीर के अंदर डॉक्टर कह रहे हैं सोनोग्राफी में कि ये विकलांग है, बच्चे के पांव में या मुख में या शरीर में पानी भरा गया है, ये सुरक्षित नहीं होगा, ये बुद्धि से कमजोर होगा, या ये बच्चा ऐसा विकलांग होगा, तो उसी समय पर जैसे डॉक्टर ने कहा वैसे ही एक श्रीफल, और वो श्रीफल खंडित नहीं होना चाहिए। उस श्रीफल पर जो नारी है गर्भ से है, उस नारी का सिर से लेकर एड़ी तक एक लच्छा, लच्छा मतलब मोली, मोली मतलब नाड़ा जो हाथ में बांधते हो कलेवा, उसको नाप कर श्रीफल पर भगवान शंकर का नाम लेकर उस स्त्री का नाम और गोत्र बोलकर बांधकर भगवान शंकर के चरणों में ले जाकर रख दीजिए, फिर वो बच्चे की जवाबदारी शिव की हो जाती है, फिर शंकर की, क्योंकि शिव ने माता पार्वती को वचन दिया था कि मैं खंडित नहीं दे सकता। सारे देवताओं के मंदिर में नारियल फूटता है, हनुमान जी के मंदिर में नारियल फूटता है, राम जी के मंदिर में नारियल फूटता है, देवी जी के मंदिर में नारियल फोड़ा जाता है, पर शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फोड़ा जाता। आखा की आखा दिया जाता है कि पूर्ण दीजिए, बेलपत्र पूर्ण दीजिए, फल पूर्ण दीजिए, एक चावल का दाना भी दे रहे हो तो पूर्ण दीजिए। उसमें एक और अच्छी बात, बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा, जगह जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो, या इस पंडाल में श्रवण कर रहे हो, बहुत सावधानी से ध्यान दीजिएगा। कभी श्रावण महीने में अगर आप शंकर जी के मंदिर में जाएं और शिव मंदिर किसी वृक्ष के नीचे हो, बट वृक्ष के नीचे हो, चाहे पीपल के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो आंवले के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो शमी के वृक्ष के नीचे हो, चाहे जिस वृक्ष, कोई भी वृक्ष के नीचे अगर कोई शिवालय है, शंकर जी का कोई मंदिर या शंकर जी का कोई शिवलिंग रखा हुआ, तो एक दुर्वा किसी भी श्रावण महीने में तुम जब भी किसी शिवालय में जाए जिस वृक्ष के नीचे शिवलिंग, उस शिवलिंग पर ये शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी, जलाधारी पर जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है वहाँ कटिभा, कटिभा माता पार्वती जी का हस्तकमल, उसके ऊपर रखा हुआ है शिवलिंग, सामने अशोक सुंदरी और भगवान शंकर के दोनों पुत्र गणेश कार्तिक के, ऊपर से चल गिरता है जया विशारा समरीवारी तौतली देव, ये भगवान शंकर की 5 बेटियां। तो जो कटिभा, इस कटिभा पर अगर मात्र एक दुर्वा समर्पित कर कर जिसकी किडनी या लीवर डैमेज हो रहा हो, काम नहीं कर रहा हो, या किडनी लीवर में कोई तकलीफ हो रही हो, या डायलिसिस चल रहा हो, तो मात्र एक दुर्वा उस कटी भाग पर श्रावण महीने में समर्पित कर उस दुर्वा के 7 टुकड़े कर 7 दिन प्रतिदिन सुबह के समय पर उसको चबा कर खा लेने पर या निगल जाने पर धीरे 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 डायलिसिस बंद होने लगता है और किडनी लीवर अपना काम करना प्रारंभ कर देते। एक दुर्वा, कितने दुर्वा, एक दुर्वा, मात्र एक दुर्वा शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल जब नीचे की ओर आता है, जिस जगह पर जल गिरता है उस जगह पर मात्र एक दुर्वा अपनी कामना कर इस शरीर के सुख के लिए शंकर भगवान के जल गिरने वाले स्थान के पास में अवधूतेश्वर महादेव के नाम से रख दी जाती है, तो जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी नहीं आती। उसी तरह इसे रोग को समाप्त करने के लिए दुर्वा का प्रयोग किया गया। आप लोगों ने पूर्व में जो शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की धरा से करी थी वो आप लोगों को ध्यान में होगा, दुर्वा कैसे उत्पन्न हुई थी, दुर्वा का महत्व क्या है, कितनी दुर्वा चढ़ाना चाहिए, कैसी दुर्वा चढ़ाना चाहिए, दुर्वा की उत्पत्ति कहां से हुई है, दुर्वा तोड़ने के बाद पानी में डालने के बाद फिर हरी हो जाती है, इसका क्या कारण है, दुर्वा गणेश जी को क्यों चढ़ाई जाती है, शंकर जी को दुर्वा किस स्थान पर चढ़ाई जाती है, ये सारी कथा आपको पूर्व में इसी कुबेरेश्वर बाबा के पावन धरा से सुना चुके हैं, जो टीवी पर डली हुई है। कभी आपने नहीं सुनी हो तो यूट्यूब पर से दुर्वा महापुराण की कथा आप निकालकर उसको श्रवण कर सकते, उसमें वर्णन किया है कि इस दुर्वा का महत्व क्या है, दुर्वा का क्या, मात्र एक दुर्वा शिवलिंग पर चढ़े हुए जल जहां से नीचे की ओर गिरता है उस जगह पर मात्र अपने शरीर की कामना करते हुए भगवान से रोग मुक्ति के लिए एक दुर्वा अगर समर्पित कर दी जाए तो कोई बड़ी बीमारी जिंदगी में आ ही नहीं सकती, ग्रहण ही नहीं, मतलब ग्रसित नहीं। श्रावण के महीने की श्रावण शिव महापुराण की कथा सुन रहे, एक बात दिल से बताना, जितनी सौभाग्यवती माताएं होती हैं ये संक्रांति पर भी 13 चीजें दान करती हैं, 14 चीजें दान करती हैं, बीच में कोई 16 सोमवार का अध्यापन करेंगे तो भी सौभाग्य सामग्री देंगे,
उद्यापन करेंगे तो भी सौभाग्य की सामग्री देंगे, कोई कार्य करेंगे तो भी सौभाग्य की सामग्री देंगे। सौभाग्य की सामग्री का दान क्यों किया जाए? सौभाग्य सूचक वस्तुओं का दान क्यों किया जाए? सौभाग्य की वस्तुएं क्यों प्रदान करी जाती है, क्यों दी जाती है, उसका कारण क्या है? क्यों देते हैं महाराज? भारत की भूमि की सौभाग्यवती माताओं का एक मन की अभिलाषा रहती है, भारत की भूमि की माताओं की एक अभिलाषा रहती है कि जब उसके प्राण छूटे तो अखंड सौभाग्य धारण करके पति के कंधे पर और पुत्र के कंधे पर शमशान करते। ये भारत की भूमि की माताओं की सोच, उनके मन का संकल्प, उनके मन का भाव। क्यों देते हैं चूड़ी का दान, क्यों देते हैं बिंदी का दान, क्यों देते हैं अखंड सौभाग्य का दान? किस महाराज? मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी रहे, मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी, और मैया कोई काम ना है। मेरे मस्तक पे चमकती चूनर रहे, मेरे मस्तक पे चमकती चूनर रहे, और मैया कोई काम ना है। मेरी मांगों में भर भर के सिंदूर रहे, मेरी मांगों में भर भर के सिंदूर रहे, और मैया कोई काम ना नहीं। मेरे पाँव में बिछुड़ी का जोड़ा रहे, एक बिछुड़ी नहीं कितनी, दो तीन चार पांच, एक एक पांव में जोड़े से बिछुड़ी होना चाहिए, केवल एक नहीं, सिंगल नहीं। वो तो आजकल का फैशन हो गया महाराज, जो केवल एक बिछुड़ी धारण कर लो उसी में फैशन दिखे। श्रावण की शुमहा पुराण की कथा कहती है, जब बेटी को विदा करा जाता है और पहली बार बेटी के पांव में जब बिछुड़ी डाली जाती है तो वो बिछुड़ी भी अलग अलग नहीं होती, उस बिछुड़ी के जोड़ को चेन से एक दूसरे से बंधा हुआ होता। बोलो सही है कि गलत? जितने आस पास चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सुन लेना कि मेरे भारत की माताओं का जब पाणी ग्रहण संस्कार किसी व्यक्ति का होता है, उसके पांव में जब पहली बार बिछुड़ा पिनाया जाता है, बिछुड़ी पिनाई जाती है, तो वो बिछुड़ी भी एक दूसरे से बंधी हुई होती है, चेन से बंधी हुई होती है। उसको अलग अलग वाली बिछुड़ी शादी के मंडप में नहीं पिनाई जाती थी। क्यों? जैसे ये बिछुड़ी एक दूसरे से पांव में बंधी हुई है, तुम्हारी जिंदगी अंतिम श्वास तक ऐसी ही बंधी की बंधी हुई है, यही वो तो। अब माताओं ने थोड़ा सा फैशन चेंज कर दिया, अब पांव में ज्यादा बिछुड़ी नहीं बनती, गड़ती है, चुभती है, एक बिछुड़ी धारण महाराज। नहीं, बिछुड़ी भी दो हो जोड़े से, हमारी माताएं भारत की भूमि की जो माताएं, ये चूड़ी भी हाथ में पहनती है तो जोड़े से पहनती है। बोलो जैसा सही है कि गलत है? एक अकेली चूड़ी माताएं हाथ में धारण नहीं करती हैं। अगर भारत की भूमि की संस्कारित माताएं हैं और भारत की भूमि की सभ्यता और संस्कृति को जानती है तो अकेली चूड़ी नहीं, जोड़े की चूड़ी पहनेगी, दो चूड़ा डालेगी, चार डालेगी, बारह डालेगी, पर सिंगल नहीं, अकेली। श्रावण के महीने की शुमहापुराण की कथा, जिसका नाम है श्रावण शुमहापुराण की कथा, ये कहती है कि पार्वती जी ने और गंगा जी ने ये चतुर्मास में जितना सौभाग्य का दान दिया है, उनके बराबर दुनिया का कोई व्यक्ति इतना सौभाग्य का दान नहीं दे सकता, जो माता गंगा और पार्वती दोनों दान दे। प्रतिदिन दे रहे। और अब आपको फैशन आ गया, तुम लोग जो सौभाग्य का दान देते हो प्लास्टिक की डलिया में देते हो, पर एक एक पुराण को उठाकर देख लेना, एक एक उद्यापन को उठाकर देख लेना, जितनी तुम कथा हमारे घर में छोटी छोटी कथाओं की पोथियां पड़ी हो उनको उठाकर देख लेना, उसमें नहीं लिखा कि प्लास्टिक की डलिया में सौभाग्य की वस्तु का दान दिया जाता है, उसमें लिखा है बांस की पिटारी में, बांस की डलिया में।
सौभाग्य की वस्तुओं का दान दिया गया। क्यों? क्योंकि बांस वंश की वृद्धि करता है, बांस सौभाग्य की वृद्धि करता है और बांस अखंड सौभाग्य। जैसे बांस का पौधा बढ़ते चले जाता है उसी तरह बांस की डलिया में जब दान दिया जाता है, बांस की टोकनी में जब दान दिया जाता है, तो ये भाव रखा जाता है कि तुम्हारा सौभाग्य ऐसे ही बढ़ रहे। पर अब थोड़ा सा फैशन चेंज हो गया तो प्लास्टिक की डलिया, पर प्लास्टिक की नहीं। तो गंगा मैया और पार्वती मैया चतुर्मास के अंतर्गत जो त्योहार पड़ता है, चतुर्मास के अंतर्गत जो व्रत पड़ते हैं, ये किसी दूसरे के नहीं है। तीज का व्रत माता पार्वती का, छठ का व्रत माता पार्वती का, चतुर्थी का व्रत माता पार्वती का, ये सारे व्रतों की शुरुआत गंगा और पार्वती ने अपने बल से की।